तो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। एंड आज का वीडियो भी यही से शुरू हो रहा है, बिकॉज कल यहाँ से फ्रेम जो है ना, फ्रेम थोड़ा अच्छा आया था। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। एंड अभी जो है ना, डेली व्लॉग करने में मजा आ रहा है, मतलब आप लोगों को भी मजा आ रहा है, हमको भी मजा आ रहा है, करते हैं जितना तक कर सकते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो, होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। अभी का टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 10:30। पहले तो कुछ कुछ काम है वो कर लेते हैं। एंड जैसे कि आज अपने थंबनेल में देख के आए हो, मेरे पास जो एक साइकिल था गाइस, वो अपने भाई को मैं गिफ्ट करने वाला हूँ। मतलब मैं चलाता नहीं हूँ, ऐसे ही लेके मैं उसको ऐसे ही रख दिया। तो मैं सोचा कि वो वाला साइकिल मैं तो चला नहीं रहा हूँ, तो मेरे भाई को ही गिफ्ट कर देते, बिकॉज वो स्कूल भी जाता है। तो उसका पुराना वाला जो साइकिल जो है वो भी खराब टाइप का ही हो चुका है। एंड देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड सॉरी गाइज, मैंने बोला था 10:30, लेकिन 11 बज चुका है अभी, देखो। एंड इसको आज फेंकूंगा, कल फेंकूंगा, कर करके जो है पहाड़ बनता जा रहा है ऐसे। यहाँ पर आज भी V3 लेके मेरे को जाना पड़ेगा, बिकॉज बाइक लेके गए रोहन। एंड काफी लोग बोल रहे थे कि भाई क्या आपने अपना बाइक सेल कर दिया। नहीं भाई, मैंने अपना बाइक अभी तक सेल नहीं किया, वो मेरे पास ही है। उसको जो है मैं 2-3 महीना ऐसे रखने वाला हूँ। एंड ये सब मास्क जो है ना, ये सब मास्क बहुत बढ़िया होता है, गले में अटकता रहता है। जब भी हेलमेट पहनता हूँ ना, कभी कभी खिसक के नीचे आ जाता है। तो गाइस मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरे को लगा था कि रोहन लेके गया मेरा बाइक, लेकिन ये रोहन का जो है ना दूसरा चाबी है। तो चलो कोई नहीं, तो अपने पास जो है हमेशा इसका डुप्लीकेट चाबी रहता ही है। तो ये रहा चाबी। तो गाइस ये पता नहीं क्या चीज़ का दिक्कत देता है मेरा। यहाँ पर देखो 1 बार शो करता है ना, लेकिन टंकी में जो है बिल्कुल तेल नहीं है। अभी मुश्किल से मैं शायद पेट्रोल पंप जा सकता हूँ। एंड उस दिन क्या होता कि 1 बार शो कर रहा था, मेरे को लगा था कि भाई पेट्रोल है, लेकिन वहाँ पर ही गाड़ी बंद हो गया। मेरे को लगा क्या हो गया, फिर खुल के उल के चेक किया तो पता चला कि बिल्कुल भी तेल नहीं है। तो पता नहीं ये क्या चीज़ का दिक्कत है। एंड यहाँ पर देखो अपना गाड़ी जो 21,000 चल चुका है यहाँ पर। तो चलो अभी फिलहाल के लिए तो अपना कुछ कुछ काम है वो सब करेंगे, उसके बाद मैं मिलता हूँ मोटो ब्लॉक पे, ठीक है। ओके, तो गाइस फिलहाल मैं हूँ अभी भोरल मुख। एंड मेरा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है, बस एक लास्ट काम है इधर फैंसी बाजार, जो कि हम कल जाने वाले थे, लेकिन कल जो है सब कुछ बंद हो गया था उसके वजह से कल और नहीं जा पाए। तो फिलहाल अभी चलते हैं लाखटुकिया, उसके बाद सीधा चले जाएंगे घर। अभी का वेदर देख के लग रहा है कि भाई कितना अच्छा वेदर है, लेकिन जब मैं घर से निकला था ना भाई साहब, पूछो ही मत, पूरा जला दिया पूरा। एंड गाइस डेली व्लॉग्स में आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, नीचे कमेंट करना। एंड गाइस नेक्स्ट मंथ अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है हमारे विकास भाई, समीरन, ये लोग जो है सारे लद्दाख का ट्रिप कर रहे हैं। मेरे को कॉल किया था 2 दिन पहले कि भाई हम लोग लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे, तुम जाओगे तो बोलो। तो मैंने बोला कि भाई अभी भी नया बाइक ले रहा हूँ, इतना महंगा बाइक ले रहा हूँ, तो इतना महंगा बाइक ले रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत महंगा है वो बाइक। फंड अभी उतना नहीं है कि हम लद्दाख का ट्रिप कर पाए अभी, तो उसके लिए मैंने बोला कि आप लोग जाओ, मेरा इस बार जाना नहीं होगा, बिकॉज बाइक पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया ढेर सारा पैसा। लेकिन यार जाने का जो मन जो है ना बहुत ही ज़्यादा है, मतलब। एंड वो लोग जिस टाइम पर जा रहे ना, वो टाइम पर भी बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट था, इतना कुछ मेरा काम वाम नहीं था, बिंदास में जा सकता था। बट अगर मेरे हाथ में अगर फंड होता ना तो आराम से मैं चला जाता, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी नहीं हो पाया, लेकिन जाएंगे तो ज़रूर। लेकिन मौका अच्छा था कि ये लोग जा रहे थे तो इन लोगों के साथ ही मैं जा पाता, लेकिन ड्रीम है यार एक बार लद्दाख जाना। एंड मैंने ये हिसाब लगाया कि अगर यहाँ से Duke 390 लेके जाया जाए लद्दाख, से कम 25 से 30 हज़ार रुपये तो मेरा फ्यूल में खर्च हो जाएगा। मतलब सोच रहे हो, 25 से 30 हज़ार रुपये वहाँ पर ही खर्च हो जाएगा। एंड पूरा का पूरा अगर मैं फंड लेके चलूँ तो कम से कम 70-80,000 रुपीज़ मेरा पूरा ट्रिप में खर्चा होने वाला है। तो उसके वजह से मैं थोड़ा सा पीछे रुक गया। 20-30 हज़ार का अगर ट्रिप होता तो मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लेता, एक महीने के ट्रिप में 80,000 का तो खर्चा हो जाएगा। एंड गाइस कौशिक भाई का जो चैनल है ना, 3-4 घंटे में 1,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया, ये मेरे को भी उम्मीद नहीं था। हमें 1,000 सब्सक्राइबर करने में जो है हमारे चैनल में 3-4 महीने के ऊपर लगा था, हाँ 4-5 महीना लग गया था शायद 1,000 सब्सक्राइबर करने में। एंड इधर कौशिक भाई 3-4 घंटे में 1,000 सब्सक्राइबर ले गए। चलो अच्छी बात है। एंड आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक जिन जिन लोगों ने गिव अवे पार्टिसिपेट किया, तो बहुत जल्दी मैं उनका गिव अवे का रिजल्ट भी मैं शो कर दूंगा, वीडियो पे ही शो कर दूंगा, ठीक है, लाइव करके उसको निकालेंगे। एंड गाइस जैसे कि मैंने कल बोला था कि आप लोग भी मेरे चैनल के थ्रू गिव अवे कर सकते हो, मेरे को बस सिंपली मेल कर देना, ईमेल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके एक स्टोरी पे लिख देना कि भाई मैं गिव अवे करना चाहता हूँ, एंड उसमें मेरे को टैग कर देना। मेंशन करने से क्या होता है, हम देख लेते हैं, मैसेज मत करना। ऑन पेट्रोल पंप ड्यूटी। हाँ हाँ, नहीं मास्क तो खुले लगा गम पम ओ जितुल कौन जो अच्छा ओ अच्छा अच्छा मैं फैंसी जाओ कौन मान ব্লগ মানে হয়েছে আর ব্লগ বেয়া গরম দিছে
यहाँ पर ना मिरर बंद कर लेता हूँ, नहीं तो ये कहीं पर लग जाएगा यार। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस तरफ एंड ऊपर से गर्मी। ओह ओ भाई साहब क्या गर्मी पड़ा यार, 34 तो होगा ही शायद आज, ऊपर से ये ट्रैफिक का गर्मी। ये जैसे कुछ लोग जो ऐसे बैठे हुए रहते हैं ना, मतलब कुछ काम नहीं करते, इनका हाल भी मैं समझ सकता हूँ यार। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग भी ढूंढते हैं काम वगैरह, लेकिन ये लोग के पास इतना भी आइडियाज नहीं होता है कि ये काम करे वो काम करे। तो काम तो ढूंढने जाते हैं लेकिन फिर ना मिलने पर ये लोग ऐसे निराश होकर बैठ जाते कि करेंगे तो करेंगे क्या भाई। चलो फिलहाल के लिए तो मैं आके पहुँच चुका हूँ, अभी बाइक को करना पड़ेगा साइड में पार्क। तो गाइस ये है अपना भाई जो कि आया था इधर शाम को, इसको चाहिए भी साइकिल, तो इसको साइकिल दिलाएंगे थोड़ी देर के बाद। अभी फिलहाल के लिए गेमिंग रूम तक चलते हैं पहले। तो ये रहा गाइस अपना भाई, यहाँ पे आ चुका है जो कि मैंने बोला था कि इसको साइकिल चाहिए। नाम बता दो अपना। तो भाई को जो है मैं अपना साइकिल दे देने वाला हूँ, बिकॉज मैं तो चलाता नहीं हूँ, ऐसे इधर उधर पड़ा रहता है। आज रहेगा ये, कल सुबह चला जाएगा यहाँ से। तो थोड़ी देर के बाद जो है मैं स्ट्रीम स्टार्ट करने वाला हूँ, तो तब तक पता नहीं ये कहाँ पर रहेगा। कम से कम 3 घंटा 2 घंटा का तो स्ट्रीम चलेगा, तो इसको भी आज अपने साथ ही बिठा लेंगे स्ट्रीम पर, क्यों। तो गाइस इसको जो है हमने इधर साइकिल दे दिया, लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि यहाँ पर इसका जो सीट हाइट जो है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये ओके चला लिया। मेरे को लगा था कि ये चला नहीं पाएगा। लाया बा प्रो सुन है, प्रो लेवल और देखो साइकिलिंग को ऐसा। तो मेरे को लगा था जो ये जो है ना ये चला नहीं पाएगा, लेकिन ये तो बहुत ही आराम से इसको चला रहा है। तो अभी बोल के साइकिल को लेके क्या करेगा, अभी कहाँ लेके जाएगा। नहीं आज तो हमारे घर में है, लेकिन कल कहाँ जाएगा इसको लेके। कैंप पे जाएगा। और स्कूल लेके जाएगा इसको। हाँ जाएगा। देखो इसका पैर नहीं पहुँच रहा है, देखो दोनों साइड पैर नहीं पहुँच रहा है। रुक कहीं मत जा। अभी देखो पैर नहीं पहुँच रहा है दोनों साइड, लेकिन फिर भी अच्छे से चला रहा है। ओ हो बहुत हो गया भाई, अभी अंदर घुसा दे, अभी आ जा फटाफट आ जा, डाल दे रुक। हाँ लेके आ जा। कहाँ पे रखेगा। अंदर लेके जाएंगे, रुको पहले इसको बंद कर दे। चल लेके चल इसको अंदर। बोल कैसा लगा, चला कैसे। अच्छा। यहाँ से डालना पड़ेगा अंदर, रुको इसको थोड़ा खींचना पड़ेगा। रुको यहाँ से रुक, हम ही लेके जाएगा, नहीं तो रुक। तेरा हो गया। अच्छा चलो कोई नहीं, इसको ठीक कर देंगे। साइकिल को जो है साइकिल को हमने यहाँ पर रख दिया, कल सुबह ही यहाँ से लेके जाएगा। हे गाइस व्हाट्सएप, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं फ्री फायर पाउडर से, तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। ओ भाई, भाई 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 क्या कर रहे है? ओ देखो कितना पतंग उड़ा रहा है। कहाँ पर। हाँ यहाँ से सभी लोग उड़ाते हैं भाई, यहाँ पे 1 है 2 है उधर 3 4 4 पतंग। तो अभी बहुत लोग पूछोगे कि ये मेरा कैसा भाई लगता है, तो ये है मेरा कज़िन ब्रदर, यहाँ से सामने ही रहता है, बस 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से अगर बाइक से जाओगे तो, इधर सामने ही रहता है। तो बोला कि भैया चलो आज आपके गेमिंग रूम पर हम रहेंगे, आज ही रहेगा, उसके बाद सुबह चला जाएगा यहाँ से साइकिल लेके। तो भाई सभी का रात का टाइम जो रहा वो रहा है 10:30 एंड डिनर विनर सब कुछ हम दोनों ने कर लिया है। ये इधर फ्री फायर खेल रहा है मेरे दूसरे वाले फोन पे, एंड यार आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो इसीलिए मैं जो है पूरा नहा के आया, अभी फैन ऑन करेंगे एंड वीडियो का एडिट करके फिर सो जाएंगे। तो ये तो पीछे लगा है खेलने में। एनीवेज आज का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर कोई नहीं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, एंड एज ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड ऑलवेज राइड सेफ। तो चलो गाइस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।